गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टैंडर्ड 2 से हिंदी पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक अनमोल रत्न से, पाठ 4, सबसे प्यारा कौन। आज हम लोग ये स्टोरी पढ़ेंगे। ये स्टोरी मैं संक्षेप में आपको समझाऊंगी। बच्चों, इस स्टोरी में एक सुमित नाम का छोटा सा बच्चा है जिसके बहुत सारे दोस्त हैं और सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जैसे आप लोग के भी अच्छे अच्छे दोस्त हैं ना, ठीक वैसे ही सुमित की पड़ोस में एक दीदी रहती है और दीदी छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती है, लेकिन सुमित उनसे नहीं पढ़ता है। आप यहाँ देखिए, ये दीदी सुमित के पड़ोस में रहती हैं और इन छोटे छोटे बच्चों को दीदी पढ़ाती है, लेकिन सुमित इनसे नहीं पढ़ता है। लेकिन दीदी रोज इस खिड़की से सुमित को आते और जाते देखती है। सुमित क्या करता है? सुमित जब भी आता और जाता है जिस भी रास्ते से, वो वहाँ छोटे ईंट के टुकड़े या ईंट जो पड़ी होती है उसको सड़क से उठाकर एक सड़क के किनारे एक तरफ रख देता है ताकि किसी को चोट ना लगे। जैसा हम लोग करते हैं, आप करते हैं नहीं ना? हम लोग सोचते हैं छोड़ो, हम लोग क्यों करेंगे, हम लोगों ने थोड़ी फेंका है। लेकिन सुमित ऐसा नहीं सोचता है। सुमित उसको उठा के एक किनारे रख देता है और जो कागज का टुकड़ा या केले का छिलका या किसी चीज का भी छिलका रोड पे गिरा होता है, सुमित उसको उठाता है और कूड़ेदान में डाल देता है, डस्टबिन में डाल देता है उसको। ये उसमें अच्छी आदत है ना, और ये अच्छी आदत उसकी माँ ने बचपन से ही उसमें डाली है, यानी कि बचपन से ही सिखाई है। जैसे आपके मम्मी ने भी आपको आपकी मम्मी भी आपको सिखाती है ना अच्छी अच्छी बातें, ठीक वैसे ही जैसे आप घर में करते हो, अपने सही जगह पे सही सामान रखते हो, अपना बैग जूता सब सही जगह पे रखते हो। अगर नहीं रखते हैं तो रखा कीजिए। और इसी तरह एक दिन दीदी बच्चों को बुलाती है। देखिए यहाँ, दीदी बच्चों को बुलाती है और बच्चों को बोलती है, बच्चों आप लोग कल फिर आइएगा, कल डॉक्टर अंकल आने वाले हैं और आप में से एक को अच्छा बच्चा चुनेंगे। तो सब बच्चे आते हैं और अपने साथ सुमित को भी ले आते हैं। तो सुमित को देख के दीदी खुश हो जाती है, बोलती है अच्छा हुआ सुमित कि तुम भी आ गए। अगले दिन डॉक्टर अंकल आते हैं तो दीदी लाइन बनाती है और एक एक करके बारी बारी से सबको डॉक्टर अंकल के पास भेजती है। डॉक्टर अंकल दूसरे कमरे में होते हैं और बारी बारी से सबकी बारी आती है, लास्ट में सुमित की बारी आती है। जब सुमित जाता है डॉक्टर अंकल के पास, तो कमरे में आने से पहले एक कागज का टुकड़ा गिरा होता है। सुमित उसको उठाता है, डस्टबिन में डालता है, हैंड वॉश करता है, फिर डॉक्टर अंकल को विश करता है। डॉक्टर अंकल बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ देखिए, डॉक्टर अंकल बहुत खुश हो जाते हैं। वो सुमित को बोलते हैं, सुमित तुम ही सबसे अच्छे बच्चे हो, क्योंकि जितने भी बच्चे आए उन्होंने किसी ने भी उस कागज के टुकड़े को उठा के डस्टबिन में नहीं डाला, केवल तुमने किया है। इसलिए सबसे अच्छे बच्चे तुम हो, तुम ही को पुरस्कार मिलेगा, इनाम मिलेगा। सुदीदी भी खुश हो जाती है और सुमित बोलता है, डॉक्टर अंकल ये इनाम मेरी मम्मी का है, ये अच्छी आदत मुझे मम्मी ने ही सिखाई है। तो बच्चों देखा आपने, अच्छी अच्छी बातें मम्मी सिखाती हैं, आप उसे फॉलो कीजिए, अच्छी अच्छी आदतें सीखिए। क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से? हमें छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है, अच्छी अच्छी आदतें सीखनी है। जैसे नल को खुला नहीं छोड़ना है, हैंड वॉश करना है और नल बंद करना है, घर में इधर उधर सामान नहीं फैलाना है, कचरा है कहीं तो उठा के डस्टबिन में डालिए, अच्छे बच्चे बनिए, अच्छी अच्छी बातें कीजिए, बड़ों को विश कीजिए, किसी से झूठ मत बोलिए। ये छोटी छोटी बातें आपको सबसे अच्छा बच्चा बनाएगी। तो ये कहानी थी सुमित की। बच्चों, इसके साथ आपके वेबसाइट पे, यहाँ देखिए, आपके वेबसाइट पे ये प्रश्नोत्तर और इसके साथ ये शब्दार्थ है, सब दे दिए जाएंगे।
आप अच्छे से इसे लिखकर याद करिएगा। धन्यवाद।